मैं इसको बॉईल करूँगी। बॉईल करते समय यहाँ पे राख मिलाया जाता है। हम इसे पूरी तरह से पकने तक उसको बॉईल करेंगे। डेढ़ घंटा बनाया है, 1.5 आवर मैंने इसको पकाया है। अभी ये पक गया है। अभी हम इसको ढक के रात भर ऐसे ही रहने देंगे और कल सुबह उसको धोएंगे और पानी के अंदर में उसको भी थोड़ा कुछ घंटों तक हमें रखना है ताकि पूरी तरह साफ़ हो जाए। तो बाकी का जो काम है वो मैं कल करूँगी। अभी रात भर उसको ऐसे रहने देते हैं, ठंडा भी हो जाएगा। मैंने रात भर उसको ऐसे ही रखा था, अभी उसको धोएगा और उसके बाद फिर रनिंग वाटर में उसको कम से कम 10 से 12 घंटा हमें यूं ही रखना है रनिंग वाटर के नीचे। मैं इसे तब तक साफ़ करूँगी जब तक ये चमड़ा, जो ये चमड़ा है वो पूरी तरह से सफ़ा नहीं हो जाता यहाँ से। ये साफ़ हो गया पूरी तरह से क्योंकि मैंने कल उसको राख के साथ उबाला था। अभी मैं उसको दिन भर यहीं रहने दूँगी, कम से कम हमें इसे 10 से 12 घंटा हमें यही टेप रनिंग वाटर के नीचे में रखना है। तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ और इसको मैं डिनर में बनाऊँगी। सिर्फ मिर्चा पाउडर का यूज़ कर रही हूँ और बाकी मसाला इसमें कुछ नहीं जाएगा। ये लकर लहसुन है, इसको मैंने राफली चॉप करके डाला है। ये ऑलमोस्ट हो ही गया अभी। ये लोकल धनिया मैं इसको ऊपर से डाल के इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी, हो चुका है। तो मैं आज ये लौकी के साथ बनाऊंगी ये स्मोक पोर्क और बिना। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ यहाँ पे और इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला और जो मिर्चा के है उसको मैंने राफली चॉप करके डाला है। नमक, मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा। अभी मैं उसको अच्छा से एक बॉईल आने तक पकाऊंगी, बाकी जो चीज़ें मैं बाद में डालूंगी। ये सन ड्राइड बम्बू शूट है, इसको थोड़ा सा डालूंगी मैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टमेटो डाला है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी नहीं तो टेस्ट में ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और ये पेपर कॉर्न थोड़ा सा। अभी मैं बिना को भी डाल दूंगी तो सब मिलके अच्छा से पक जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी मिला के और थोड़ा उबाल दूंगी इसको।
अभी इसको 10 मिनट तक पकने दूंगी। ढक के रख देती हूँ। मिर्च भी पक गया और ये जो लौकी था वो भी गल गया और बीना भी गल गया है। यहाँ पे मेरा खाना रेडी है। मैंने प्लेटिंग कर लिया है जो आज जो मैंने बनाया था। ये स्मोक पोर्क है, हुना और लौकी के साथ बनाया था। ये बॉयल्ड कॉलीफ्लावर है जिसको मैंने लहसुन के साथ, जो हम लोग का लोकल लहसुन के साथ इसको बनाया था। और ये जिसको फ्राई किया था मैंने, हुना डिश। और ये मेरा लहसुन अचार है, मैं ट्राई करती हूँ। ये पोर्क बहुत ही टेस्टी बना है और मैं इसको ट्राई करती हूँ जो मैंने फ्राई किया था। ये भी बहुत टेस्टी है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं डिनर कर लेती हूँ। तो अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय।